करीब 4.5 साल पहले 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस हवाई हमले में बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया था। हमले में 300 के करीब आतंकी मारे गए। भारत ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का बदला लिया था। भारत के जाबाजों की ये वीर गाथा अब ओटीटी सीरीज पे उतरने वाली है। सीरीज का नाम है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। टीजर सामने आ चुका है। ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। हिंदुस्तान की शौर्य गाथा को ओटीटी पर उतारने की तैयारी हो रही है। वो गाथा जिसे हिंद के शूरवीरों ने आज से करीब 4.5 साल पहले पाकिस्तान की सरजमी पर बम और बारूद से लिखा था। 26 फरवरी 2019 की वो तारीख इतिहास में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से दर्ज है और अब सच्ची घटना से प्रेरित भारतीय जाबाजों की ये वीर गाथा ओटीटी पर रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड के नाम से आ रही है। लारा दत्ता ने वेब सीरीज का टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड एक नई सीरीज जल्द आ रही है, जुड़े रहिए। टीजर में कुछ लड़ाकू विमान के हवाई करतब दिखाए गए हैं और कुछ बर्फीली लोकेशंस भी दिखाई गई हैं। इसी के साथ वीडियो के बैकग्राउंड में एक शख्स की आवाज है जो कह रहा है, ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। तारीख 26 फरवरी, सुबह 3:30। 26 फरवरी के तड़के जब देश नींद के आगोश में था, तभी रात करीब 3:30 बरेली और आगरा से बारूद से लैस 12 मिराज विमानों ने उड़ान भरी थी। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरने वाले मिराज लड़ाकू विमान आसमान में उड़े और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ मुड़ गए। सुबह 4:15 वायुसेना के मिराज विमान गरजते हुए पाकिस्तान की सीमा में 50 किलोमीटर तक घुसकर बालाकोट पहुंचे। वहां मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर दी। 3:53 पर यानी महज 8 मिनट के भीतर बालाकोट के आतंकी अड्डे तहस नहस हो गए। मिराज विमानों की एक टोली बालाकोट में जैश के आतंकी अड्डे के सफाई में जुटी थी तो दूसरी टुकड़ी मुजफ्फराबाद पर कहर बरपा रही थी। सुबह 3:48 पर मिराज विमानों ने मुजफ्फराबाद में जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला, यहां मौजूद एक अड्डे को तबाह कर डाला। सुबह 3:55 पर मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके थे। यहां वायुसेना के एयर स्ट्राइक ने महज 7 मिनट का समय लिया। सुबह 3:58 पर गोला बारूद से भरे मिराज विमानों ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी में जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला। यहां वायुसेना का ऑपरेशन सुबह 4:04 तक चला, यानी करीब 6 मिनट में ही ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। सिर्फ 21 मिनट में भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के 3 बड़े आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। 21 मिनट में सेना ने इन सभी कैंपों को आग के शोलों में तब्दील कर दिया। वायुसेना के पराक्रमी शूरवीरों ने पुलवामा सीआरपीएफ हमले का सूद समेत हिसाब ले लिया था। इस पूरी कार्रवाई में करीब 300 आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन के बाद सभी 12 मिराज विमान अपना टारगेट पूरा कर पौ फटने से पहले ही अपने ठिकानों पर सुरक्षित लौट आए और जब सुबह हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। सुबह जब देश को वायुसेना के इस ऑपरेशन की जानकारी मिली तो सभी देशवासियों का सिर फक्र से ऊंचा उठ गया। भारत ने दुनिया के सभी देशों को संदेश भी दे दिया कि ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशन था और भारत अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। और अब हिंदुस्तान के जाबाजों की ये वीर गाथा जब वेब सीरीज के रूप में सामने आएगी तो देशवासियों को न सिर्फ गर्व की अनुभूति होगी बल्कि वायु वीरों ने किस तरह इस मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया इसे भी समझने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात होगी आजादी के पर्व की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी तिरंगा फहराया। सीमा और सचिन की जोड़ी सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। इंदौर में कुछ महिलाएं 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम के लिए रिहर्सल करती नजर आईं।
इटावा में तिरंगा कार रैली निकाली गई, जिसमें कार पर तिरंगा लगाकर लोग रैली में शामिल हुए। 15 अगस्त के मौके पर अगरतला में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। युवाओं ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पूरी राजधानी को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले की सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की पूरी टीम अलर्ट हो गई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में कहा है कि आतंकी खासतौर से जैसे मोहम्मद और लश्करे तौबा के अलावा जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है वो 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में अगर लाल किले की आप देखें जहां से प्रधानमंत्री झंडे को फहराएंगे 15 अगस्त को, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। अगर आप ये देखें तो जो लाल किले का मेन एंट्री गेट है इसको बाकायदा पूरी तरह से ढक दिया गया है, क्योंकि इसी के ठीक सामने जो लाल किले का प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। ऐसे में पूरे लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां पर देखें आप तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में ये बताया है कि दरअसल 15 अगस्त के ठीक एक महीने बाद सितंबर में दिल्ली में G20 समिट होना है, और ऐसे में 15 अगस्त का वो मौका होता है जब देश और दुनिया की निगाहें राजधानी दिल्ली पर होती हैं, भारत पर होती हैं। ऐसे में आतंकी इसका फायदा उठाते हुए आतंकी हमला कर सकते हैं ताकि भारत की छवि खराब हो और G20 जो समिट है उसमें दखल हो, उसमें कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हो, अवरोध पैदा हो। ऐसे में आतंकी जो के मंसूबे हैं वो राजधानी दिल्ली में हमला करने की है। ऐसे में पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह दिल्ली पुलिस की तैनात है। लाल किले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। और अब रुक करते हैं जैसलमेर का, जहां लोंगेवाला और पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने अपना शौर्य दुनिया को दिखाया। भारतीय सेना के जाबाजों ने हथियार के बिना लड़ाई जीतने, दुश्मन को काबू करने या दुश्मन के हमले को कैसे नाकाम किया जाए इसका दमखम दिखाया। जमीन पर गरजते सेना के टैंक और मशीन गन, तो हवा में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने संभाला मोर्चा। ये तस्वीर ना तो जंग के किसी मोर्चे से आई है और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि ये तस्वीरें आई हैं लोंगेवाला और पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से, जहां से सेना के जवानों ने डेजर्ट वॉर गेम में अपना दमखम कुछ इस अंदाज में दिखाया। इस दौरान भारतीय सेना के जाबाजों ने हथियार के बिना लड़ाई जीतने और दुश्मन के हमले को कैसे नाकाम किया जाए इसका अभ्यास किया। लेकिन जब सेना के टैंकों और हेलीकॉप्टरों ने अपना एक्शन दिखाना शुरू किया तो पूरा पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से थर्रा उठा। राजस्थान के रेतीले हिस्से में हुए इस अभ्यास में रेगिस्तान के लिए मुफीद खास तरह के युद्ध कौशल का भी भारतीय सेना ने अभ्यास किया। ये किसी भी टेरेन में आपको ऑपरेट करने की फ्रीडम देता है, इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर टेरेन में से नहीं जा सकते। एंड ये सबसे खास बात इसकी है कि ये रोड पे भी वन ऑफ द फास्टेस्ट है पूरी दुनिया में, ये अपने 80 किलोमीटर पर आज स्पीड तक आराम से रोड के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। रेगिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप आसपास देखिए आपके पास कुछ नहीं होता, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। ये इसके अंदर सिर्फ आपका क्रू और आपका टैंक, बस आप दोनों एंटिटी एक साथ होते हैं और कोई नहीं होता, और फिर भी आपको जंग के सारे ऑर्डर्स मानने को एकम्प्लिश करना पड़ता है एंड सारे मिशन को एकम्प्लिश करना पड़ता है। इस टैंक की कारगर रेंज स्मूथ बोर गन जो कि मेन गन है उसके 5 किलोमीटर तक की है। ये दिन और रात में कारगर फायर डालने में सक्षम है। एरियल टारगेट यानी हवा में जहाज को एंगेज करने के लिए इसके अंदर NSVT नाम की मशीन गन का लगावट किया गया है।
और नजदीकी रेंज में करने के लिए छोटी मशीन गन 7.62 mm पीकेटी गन का इस्तेमाल किया गया। इस एक्सरसाइज के दौरान वहां सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके सामने सेना के इन जवानों ने अपने रण कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं इस मौके पर सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने का सफल प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास की खास बात ये रही कि इस दौरान जवानों ने 1971 के लोंगेवाला युद्ध की यादों को भी ताजा किया। भारतीय सेना वक्त वक्त पर इस तरह के एक्सरसाइज के जरिए अपनी तैयारियों को परखती रहती है, ताकि अगर भविष्य में नौबत जंग की आए तो वक्त रहते दुश्मन के हमले को नाकाम किया जा सके। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारतीयता के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा हिंदुस्तान के प्रति अपनी देशभक्ति का जमकर प्रदर्शन भी कर रही हैं। ट्राई कलर साड़ी पहनकर और हाथ में तिरंगा लेकर सीमा भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। मोहब्बत के लिए सरहद लांघकर भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब हिंदुस्तान की देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा हैदर रविवार को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई। इस दौरान सीमा हैदर ने न सिर्फ तिरंगा लहराया बल्कि ट्राई कलर साड़ी पहनकर हिंदुस्तान के प्रति अपनी बेपनाह निष्ठा प्रदर्शित की। आज आपने झंडा भी लगाया? बिल्कुल लगाया है, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। इस दौरान सीमा हैदर ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। एपी सिंह ने कहा कि सीमा हैदर को बॉलीवुड में काम करने का जो ऑफर मिला है उसे उन्होंने ठुकरा दिया है। सीमा कोई फिल्म नहीं बना रही, कोई फिल्म के लिए साइन नहीं किया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में सुर्खियां बटोर रही सीमा हैदर इस साल मई में अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन नाम के लड़के से शादी भी कर ली। 4 जुलाई को सीमा जब सचिन के साथ शादी के लिए वकील के पास गई, तो भारत में अवैध तरीके से घुसने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ भी की लेकिन जासूसी वाला एंगल नहीं मिलने पर कार्रवाई बंद कर दी गई। नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।